हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ अभी साउथ कोरिया में और विंटर का मौसम चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पे। दिन में -5 -6 तक जा रहा है टेम्परेचर और रात में तो -8 -9 तक जा रहा है अभी। और सब तरफ बहुत वीरान हो गया, जैसे मैंने बताया था ऑन टाइम की वीडियो में कि विंटर में यहाँ पे सब तरफ बहुत वीरान सा लगता है। सारे पेड़ों के पत्ते पूरी तरह से झड़ गए हैं और कहीं पे कुछ भी घास वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि सब तरफ कितना वीरान दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि कहीं भी निकलने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है घर पे रहो। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे घर पे सब जगह फ्लोर हीटर है, तो इस वजह से रहने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही। जो कुछ ही सदाबहार पेड़ जिनको बोलते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री टाइप के जो पेड़ हैं, इन्हीं में अभी पत्ते आपको दिखेंगे, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देख पा रहे होंगे कितना वीरान लग रहा है सब तरफ, कहीं कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है सारे पेड़ मर गए हैं और यहाँ कोई रहता ही नहीं है। इस टाइप पर यहाँ पे दिख रहा है सब चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा यहाँ कितनी ठंड है। हमारे बिल्डिंग के सामने फाउंटेन बना हुआ है और वॉकिंग ट्रेल है, काफ़ी ऐसा लंबा सा फाउंटेन है जिसमें पानी वगैरह भरा हुआ था पूरा, तो वो अभी पूरी तरह से जम गया है, पूरा बर्फ़ बन गया है। तो चलिए मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। ये देख पा रहे होंगे आप, पूरा पानी जम गया है। कहीं कहीं पे भी ये अभी थोड़ा सा पानी दिख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा एक दो दिन से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा पीला है इस साइड का। इधर तो पूरा ही जम गया है, बच्चे लोग उसमें चल रहे हैं फिर भी वो टूट नहीं रहे। रहे होंगे मेरे पीछे पूरा फाउंटेन था, पूरी तरह से जम गया है और बच्चे लोग इसमें खेल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी ये नहीं टूट रहा है। पूरा नीचे तक ये पूरा जम गया है। एक दो दिन से टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब दिन में 3-4 डिग्री है, फिर भी ये नहीं पिघल रहा है और इतना पूरा नीचे तक जम गया है। इसमें चल रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं, फिर भी ये नहीं टूट रहा है। मतलब समझ रहे हैं कितना हार्ड जमा हुआ है ये पूरा। तो इतनी ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे। अभी तो यहाँ घूमने के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, विंटर का टाइम। तो अगर कोई भी यहाँ आने का प्लान कर रहा हो तो बिल्कुल भी विंटर में ना करें, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और कहीं भी देखने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो अभी आना फिर वेस्ट हो जाएगा, बस कहीं कहीं आपको स्नो देखने मिलेगा और ऐसा कुछ खास यहाँ पर और फिर दिखेगा नहीं। अभी ये पूरा ऐसा फाउंटेन था, उधर से है फिर पूरा जमा हुआ। मैं खड़ी हूँ इसमें, फिर भी ये नीचे नहीं दब रहा है और ना ही पिघल रहा है, पूरा हार्ड है ये स्नो। दिसंबर की रात को यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ था और ये उसके बाद का व्यू है। सब तरफ पूरा वाइट हो गया है और पूरा स्नो दिख रहा है। तो रात की वजह से शायद हर जगह क्लियर नहीं पता चल रहा है, पर सब तरफ वाइट हो गया था और पूरा ही स्नो, हर जगह स्नो दिख रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता जहाँ पे हम लोग रहते हैं देवभूमि, कभी कभी होता है और हल्की सी स्नोफॉल होती है, उसके बाद फिर सुबह तक पिघल जाता है। तो इस बार हम लोग को लगा था कि सुबह तक पिघल जाएगा इस बार भी, पर ये मॉर्निंग का व्यू है, कहीं स्नो नहीं पिघला है, सब तरफ वाइट है। तो सब जगह स्नो दिख रहा है, सुबह भी दिन में भी, और ये इसका व्यू काफ़ी अच्छा हो गया है। सब जगह पहाड़ों पे हर जगह पूरा वाइट लग रहा है, तो ये बिल्कुल शिमला विमला जैसा अपने को अब फील आ रहा था। सब तरफ स्नो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था।
यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है। जब इंडिया में हम लोग मसूरी गए थे तो वहाँ पे स्नो था सब जगह पर, वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री था या रात में -1 ऐसा गया था। तो वहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल सी जैकेट पहन के आराम से घूम ले रहे थे, पर यहाँ पे स्नो तो है पर टेम्परेचर इतना कम है कि आप बाहर घूम ही नहीं सकते। -8 -9 तक टेम्परेचर दिन में है और रात में तो यह बहुत कम हो जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ का टेम्परेचर है अभी -8 डिग्री। तो रात में यहाँ काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है और ये देवगू का ये पहला स्नोफॉल है। तो अब तो ठंड और बढ़ने वाली है, पर जो व्यू है वो बहुत अच्छा हो गया सभी तरफ का। स्नो स्नो सब तरफ स्नो हो गया है, एक बिल्कुल शिमला वमला टाइप नज़ारा लग रहा है। तो रात में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ है और देख पा रहे होंगे मेरे पीछे सब तरफ पूरा स्नो है अभी, और अब वो धीरे धीरे पिघल रहा है क्योंकि धूप निकला हुआ है। और यहाँ जनरली होता नहीं है स्नोफॉल, पिछली बार फरवरी में एक आध बार हुआ था, बहुत हल्का सा स्नोफॉल हुआ था, पर इस बार बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है। और ये पिघलने के बाद भी अभी इतना बचा है स्नो, मतलब रात में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, पूरा दिख रहा है अभी स्नो पूरा वाइट। पहाड़ों पे भी काफ़ी स्नो जम गया, पहाड़ों पे तो और बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो देख पा रहे होंगे नज़ारा काफ़ी खूबसूरत हो गया, बिल्कुल एकदम हिल स्टेशन, इंडिया में हिल स्टेशन वाली फील आ रही है। और जाते जाते सोल में तो यहाँ पे काफ़ी होता है स्नोफॉल, बट देवगू में बहुत रेयर है। तो इस बार ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है, देखने के लिए मिल गया हम लोग को। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख के। सुबह ये और काफ़ी ज़्यादा था, पर अब ये धीरे धीरे पिघल रहा है तो अब थोड़ा कम हो रहा है। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि पूरा बिना ग्लव्स के तो हाथ ही अकड़ जा रहा है, वीडियो बनाना भी मुश्किल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है, नाक भी लाल हो जा रही है। देख रहे होंगे सब जगह स्नो दिख रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि पूरे ईयर में जो भी चीज़ें अच्छी दिखेंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और लगभग पूरे साल की वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे सीज़न के जो जो चीज़ें अच्छी दिखी, बस ये स्नो बचा था जो कि मेरे को उम्मीद नहीं था पर वो भी दिख गया। उधर अंधेरा है इस वजह से उधर का स्नो ज़्यादा सही से नहीं दिख रहा है, इस तरह अभी धूप है करके पूरा चमक रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपने तरफ पूरे साल भर लगभग गर्म मौसम रहता है, 1-2 महीने ठंड रहती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। तो स्नोफॉल देखना हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि अपने साइड स्नोफॉल नहीं होता, स्नोफॉल देखने के लिए हम लोग को स्पेशल हिल स्टेशन जाना पड़ता है। तो ये देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था सब जगह कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था। हमारे कॉलोनी है अब उसने मैन बना दिया है, बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा है, पर बाहर ज़्यादा देर रहना
प्रैक्टिस भी कर रहे हैं प्लेग्राउंड में। ये तो पहले से प्रॉब्लम है, सब जगह जमा हुआ है। ये मेरा कॉलोनी है, यहाँ पे जमा हुआ है और यहाँ पे बच्चे यहाँ के स्नो का पूरा मज़ा ले रहे हैं, उस पर बैठ के फिसल रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है टिफिन में भी। ये व्यू है मेरे बालकनी से, यहाँ से सब कुछ अच्छे से तो बाहर का व्यू तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन ज़्यादा देर रहना मुश्किल था क्योंकि काफ़ी ठंड थी वहाँ, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। हाथ ग्लव से बाहर निकालो तो ऐसा लग रहा है अकड़ जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं अंदर आ गई। और जो व्यू था, लगभग सारे जगह का व्यू सेम ही है, सब जगह स्नो ही स्नो दिख रहा है, तो वो तो दिख ही गया। बालकनी से वो व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों को बालकनी से दिखाती हूँ। सूट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने सूट किया है। और पिछले बार नहीं हुआ था इतना स्नोफॉल, एक ही बार फरवरी में हुआ था हल्का सा, और वो भी धूप निकलने के बाद पूरा पिघल गया था क्योंकि बहुत कम हुआ था उस टाइम पे। तो इस बार अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है कि रात से हुआ है और अभी तक नहीं पिघला है, मतलब ये काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ था। तो मैं तो यही कहूँगी कि ठंडी में साउथ कोरिया आना अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक तो देखने के लिए कुछ बहुत कुछ रहता नहीं है, ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा रहती है कि आप कहीं घूम नहीं पाएंगे, और बस ठंड में कहीं कहीं भी स्नोफॉल हल्का सा देख सकते हैं, तो वो तो आप स्नो कहीं भी हिल स्टेशन में जाके देख ही सकते हैं। तो आप जब भी यहाँ आने का प्लान करें तो ऑन्टा में आज स्प्रिंग सीज़न में ही हैं, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और जिन लोग ठंडी से एलर्जिक हैं या जिनको ठंड पसंद नहीं है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, वो तो बिल्कुल भी प्लान ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में यहाँ पे हेडेक वगैरह होने लगता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे होने लगते हैं। और क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ पे रात दिन में भी -15 तक यहाँ पे जाता है टेम्परेचर, तो बर्दाश्त के बाहर ठंड रहती है यहाँ पे, तो घूम पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस आप आएंगे तो रूम पे ही रह सकते हैं, तो आप लोग ठंड में ना आए, मैं तो यही एडवाइस करूँगी आप लोग को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ का अब शायद ही कुछ ही वीडियो आएंगे साउथ कोरिया के, क्योंकि शायद हम लोग यहाँ से जल्दी चले जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।